गुनी 21 वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है। 21 वाले चैप्टर का नाम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोला जाता है। इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर एक तो स्कीम एंड डेरिवेटिव्स ऑफ स्कीम, डेरिवेटिव्स ऑफ स्कीम एंड स्कीम ये मिलकर के क्या बनाते हैं। अब देखिए स्कीम में तो अपने दो लेयर की बात की थी, एक लेयर का तो नाम क्या था, एपिडर्मिस था, सबसे ऊपर वाली होती है, उसके नीचे डर्मिस पाई जाती है, तो वो तो हो गए दोनों स्कीम। अब डेरिवेटिव के अंदर क्या क्या लेंगे, हेयर, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सेबिएसिस ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड ना, यानी मेमेरी ग्लैंड जो मिल्क का सिक्रेशन करती है, मेमेरी ग्लैंड, ये सब क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये बात अपनी हो चुकी थी। फिर अपन ने बताया था कि जो स्किन में एक तो एपिडर्मिस है सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके नीचे कौन सी पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, डर्मिस का। अब देखिए डर्मिस की जो स्पेसिसिटी है वो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, चाहो तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो तो उसी के साथ साथ में नोट भी करते जाना, मेन मेन पॉइंट्स हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन डर्मिस की बात करते, तो कहाँ है ये, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है। फिर उसके हम इसकी बात करते हैं, ये कैसी होती है, थिक होती है कंपेरिजन टू एपिडर्मिस। इसका ओरिजन किससे हुआ है, मीजोडर्म से, यानी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से इसका क्या होता है, ओरिजन होता है। तो ओरिजन उसका किससे होता है, एपिडर्मिस का एक्टोडर्म से हुआ था, इसका किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। इट इज फॉर्म बाय द फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, तो फॉर्म बाय किसकी बनी होती है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। अब इसके आगे अपन इधर देखते हैं कि जो डर्मिस होती है उसमें, जैसे उसमें अपने कहा कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो डर्मिस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व करेंगे, यानी क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो देखिए इसमें फाइबर, वाहिट कोलेजन फाइबर, एक तो क्या है, वाहिट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। फिर है ब्लड वेसल्स, एपिडर्मिस में नहीं होती है ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर ऊपर बता देते, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड हो जाती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फोलिकल, ये सब किसके आ जाते हैं, डर्मिस के अंदर। अपन इन सबको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा डर्मिस के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखिए वाहिट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स, हेयर फोलिकल्स, ये सब किस में इंक्लूड हो रहे हैं, वाहिट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल, ठीक है, स्वेट ग्लैंड और हेयर फोलिकल, कंप्लीट किसके अंदर आते हैं, डर्मिस के अंदर आते हैं। तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए अच्छे से कि क्या क्या प्रेजेंट है। अब अपन डर्मिस के टाइप देखते हैं, तो डर्मिस का एक तो क्या है, ये नोट हो गया आपका, ये नोट होने के बाद में, यानी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार इसका, या जैसे जैसे मैं रिवाइज करती जा रही हूँ आप लोग नोट करते जाइए। फिर अपन बात करते हैं डर्मिस की, तो डर्मिस के अंदर टू लेयर होती है, एक तो है पेपिलरी लेयर और एक कौन सी है, रेटिकुलर लेयर होती है। अब डर्मिस जो डर्मिस है किसके बिलो है, एपिडर्मिस के नीचे होती है, तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सी आ जाएगी, पेपिलेरी। तो पेपिलेरी में देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो पेपिलेरी वाला जो पार्ट होता है ये थिन लेयर है, कैसी होगी, थिन थिन कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स की ये बनी हुई होती है।
जैसे ध्यान में रखिएगा, जो डर्मिस है वो इलास्टिक फाइबर की जरूर बनी हुई है, लेकिन ये कैसी होती है? इलास्टिक तो है ये डर्मिस, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। जैसे अपने फिंगर है, इलास्टिक है ना, आप इसको हिलाओ, हिलाने से टूटेगी नहीं। तो वैसे ही इलास्टिक के साथ साथ में कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसमें पेपिलरी की बात करते तो कैसी है? थिन। किसकी बनी है? फॉर्म बाय द थिन कोलेजन फाइबर। थिन कोलेजन है, कोलेजन एक प्रोटीन होता है, कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि इसकी मेन पॉइंट देखिए, पेपिलेरी, पेपिलेरी का मतलब भी होता है इसकी जो सरफेस होती है ना, वहां पे ऐसे प्रोजेक्शन बने हुए हैं माइक्रोविलाई के जैसे, यहाँ प्रोजेक्शन पाए जाते हैं पेपिलेरी के अंदर। अब इन प्रोजेक्शन के ऊपर क्या अटैच रहती है? स्ट्रेटम मेल पिगी, जो एपिडर्मिस की सबसे इनर वाली लेयर थी। वो ये कहा था ना कि मैंने कि उसकी जो कुछ सेल्स होती है वो ब्लड वेसल्स जो होती है उनसे न्यूट्रिशन लेती है, तो वो वाली सेल्स किससे अटैच रहती है? इसी मेल, ये जो मेल पिगी वाली जो सेल्स होती है ये पेपिलरी लेयर से अटैच होती है। ये तो क्या हो गई? माइक्रोविलाई के ला जैसे प्रोजेक्शन, और इस पे क्या लगी हुई है? एपिडर्मिस की लेयर लगी हुई होती है। जो पेपिलरी वाला जो रीजन होता है इसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है ध्यान में रखना, ब्लड वेसल्स। वैसे यहाँ अपन इसकी डर्मिस की स्पेसिसिटी में ही बता दिया था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती तो ज्यादा कहाँ होती है? पेपिलरी वाले। तभी तो देखिए ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, ये स्ट्रेटम मेल पिगी है, वो ब्लड वेसल से क्या लेगी? न्यूट्रिशन लेती है। तो ये था पेपिलरी वाला। अब इसके आगे बात करते हैं अपन रेटिकुलर लेयर की। तो ये देखिए थिन है, तो ये कैसे हो जाएगी? थिक। डिफरेंस हो गया ना, पेपिलरी वाली थिन होती है, तो ये वाली कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। फिर इसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्क्रेटेड होते हैं, स्क्रेटेड का मतलब वो दूर दूर बिखरे हुए रहते हैं, SCATERED, स्क्रेटेड का मतलब ऐसे थिक मोटे होते हैं और दूर दूर के होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स, इसके साथ साथ में यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या पता होगा? स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, टेक्टाइल, पेपिला। देखिए यहां से ले लेते हैं अपन इसमें स्वेट ग्लैंड, ठीक है, फिर उसके बाद में हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं? टेक्टाइल, TACTILE, टेक्टाइल पेपीला, टेक्टाइल पेपीला का आपने जो स्वेट ग्लैंड है वहां है, सॉरी टेस्ट ग्लैंड। तो क्या क्या हो गया? स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, टेक्टाइल पेपिला, ये तो डर्मिस के किस पार्ट में हो गए? रेक्टिकुलर पार्ट में। और ब्लड वेसल्स है, ये सब कहाँ हो गए? नर्वस सेल से, ब्लड वेसल से होगी, पेपिलरी वाले रीजन के अंदर हो जाती है। फिर अपन ये बताते हैं कि जो डर्मिस का जो नीचे बिलो द डर्मिस है वहां पे थिक, क्या है? थिक फैटी टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिक फैटी टिश्यू फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ डर्मिस, कि जैसे तीन लेयर हो गए ना, देखिए फर्स्ट तो कौन सी थी? एपिडर्मिस, फिर डर्मिस। अब ये जो डर्मिस है ना, डर्मिस के नीचे किसकी लेयर? फैटी लेयर। एक क्या प्रेजेंट होती है? डर्मिस के नीचे फैटी लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या है? टेम्परेचर रेजिडेंट है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्किन टेक्सचर, जिसको क्या बोलते हैं? स्किन टेक्सचर, यानी डर्मिस के नीचे वाले भाग पे एक थिक यानी मोटी फैटी टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, जो टेम्परेचर रेजिडेंट होती है, जिससे जो स्किन होती है स्किन को क्या बनाती है? सुंदर बनाने का, यानी स्किन को मेंटेन करने का काम करती है, इसलिए इसको स्किन टेक्सचर बोलते हैं। उस लेयर को क्या बोलते हैं? स्किन टेक्सचर भी बोला जाता है, स्किन टेक्सचर भी बोला जाता है। तो बिलो द डर्मिस प्रेजेंट ए फैटी लेयर, दिस लेयर इज
टेम्परेचर, रेजिडेंस, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोग आराम से डेफिनेशन को लिख सको. क्या है? ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिक फैटी टिश्यू फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ डर्मिस विच फॉर्म इट टेम्परेचर रेजिडेंट इट आल्सो मेंटेन स्किन टेस्टर. तो इस पॉइंट के साथ साथ में अपने जो स्किन के टू पार्ट्स थे, एक का नाम एपिडर्मिस था, एक का नाम डर्मिस था, कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, स्किन के डेरिवेटिव्स जो है उन सब की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो आप एक बार देख लीजिए, पूरा टॉपिक है आपके पास में, मैंने सभी पॉइंट्स को अलग अलग नोट कर रखा है.